आप देख रहे हैं नॉर्थ टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लगातार बाढ़ जैसे हालात हो गए थे, लेकिन जिस तरीके से अब पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, और साथ ही साथ जो पिछले दिनों दिल्ली के निचले इलाकों की बात करें तो वहां पर पानी भर गया था, लेकिन सरकार अब उसको निकालने की जो है वो कोशिश में लगी हुई है। ये ITO का नज़ारा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी अभी भी 4 दिन बाद भी अभी भी लबालब जो है वो भरा हुआ है, लेकिन पानी निकालने को लेकर सरकार जो है लगातार जो है पंप जो है वो लगा रखा है, लेकिन इससे इन जो बाढ़ का जो पानी है वो भरा हुआ है और जो यमुना का जो निचला इलाका है वो भी धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन पानी सूख जाने के बाद या पानी कम हो जाने के बाद क्या कितना बीमारियां उत्पन्न होगी या किस तरीके से रहने वाला है, हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। भाटी साहब, अगर आपसे बात करें, इस समय ITO खड़े हैं, वो पानी जिस तरीके से भरा हुआ है, क्या लगता है कि इसके बाद कितनी बीमारियां बढ़ने वाली है या फिर कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बारिशों के मौसम में जब हम बात करते हैं तो बारिशों में वैसे भी मॉनसून से संबंधित काफ़ी सारी बीमारियां होती है, पर अभी फ़िलहाल हम दिल्ली की बात करें तो जैसे जल भरा हुआ है जगह जगह, जैसे ये पानी का स्तर कम होगा उसके बाद हम ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पानी से संबंधित हम बात कर रहे हैं, तो पानी जिस तरह से इकट्ठा हो जाता है तो कई सारी बीमारियों का लेकर आता है, जिनको हम वाटर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं, जिसके अंदर प्रमुख एक तो है आपकी मॉस्किटो बॉर्न, कि मच्छरों के पनपने से, कि जैसे ये पानी इकट्ठा रहेगा जगह जगह तो ये मच्छर के पनपने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। मच्छरों से जैसा हम बात करते हैं हमेशा दिल्ली के अंदर, स्पेशली डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इस तरह की बीमारियाँ आने की हमेशा संभावनाएँ बनी रहती है। इसके अलावा हम देखें वाटर बॉर्न डिजीज़, पानी के दूषित होने से और किस किस तरह की बीमारियाँ होती है, जिसमें सबसे एक कॉमन बीमारी है जिसको हम टाइफाइड कहते हैं, टाइफाइड के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के केसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, कॉलेरा के केसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पानी, ये दूषित पानी आपका नॉर्मल पानी के अंदर मिल जाता है, तो इससे पेट संबंधित बीमारियाँ भी काफ़ी होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा और अन्य स्किन से संबंधित बीमारियाँ, फंगल इन्फेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बने रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जितनी सावधानियाँ बरतें, जितना सचेत रहें, जितना लोगों को अवेयर कराएं, उतना हम इन बीमारियों को कंट्रोल में कर पाएंगे। लेकिन अगर बात करें जिस तरीके से पानी बड़ा भरा हुआ है और इसमें जिस तरीके से जीव जंतु की बात करें वो भी मर गए हैं, अब अगर कोई इसमें ये पानी में जाता है, हम लगातार जा रहे हैं, तो हीचिंग जो है वो हो रही है, उसकी वजह से भी बीमारियां जो है वो लग सकती है? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे इस वाले मौसम में, जैसे फ़िलहाल अभी हम बात करते हैं, ह्यूमिडिटी और इन सब की वजह से भी ये वायरस के पनपने के लिए, वायरस बैक्टीरिया के पनपने के लिए भी ये मौसम बिल्कुल सही होता है, और उसके अलावा जैसा ये जल भराव भी देख रहे हैं, तो ये सब तरह की जो सिचुएशन है इसमें डिफरेंट तरह की बीमारियाँ होने के चांसेस बने रहते हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि इस पानी के अंदर कई बार हम चलते हैं, अगर आपको कहीं चोट लगी हुई है, कहीं से कुछ भी आपको कट है, तो आपको इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होने के चांस हमेशा बने रहते हैं। तो इसलिए हम लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर कराते हैं बार बार कि जितना हो सके आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें, हाथों को आप अच्छी तरह से धोइए, अगर आप किसी भी तरह से आप पानी के संपर्क में आते हैं, हैंड वॉश आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाहर का कटा हुआ या कोई भी ऐसी चीज़ों को आप ना खाएं, मच्छरों से अपने आप का बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी हमारा एक्सपोज्ड एरिया वहाँ पे आप कोई भी नीम ऑयल या कोई भी मॉस्किटो रेपेलेंट लगा सकते हैं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, इन सब बातों का आपको बार बार ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप इन सब बीमारियों से बच पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से तस्वीर देखी कि बच्चे इस पानी में जो है नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बच्चों को तो बहुत ही सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, पानी आपका किसी भी तरह से अगर आप अंदर जाता है, पानी किसी भी माध्यम से, आपने उस पानी से मुंह धोया, आपने वो पानी आंखों के अंदर मारा, तो निश्चित तौर पे आपको इन्फेक्शन होने की संभावनाएँ बनी रहती है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आपको, बच्चों का स्पेशली ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि वो इस तरह के दूषित पानी से अपने आप को बचा कर रखें। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि कम से कम हम जब भी जाते हैं ऐसे पानी में, तो घर पे जाके हम अच्छे से अपने आप को, अपनी सफाई करें, 2 टाइम नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके कपड़े गीले हो जाते हैं तो भी आप उन गीले कपड़ों को डेफिनेटली आप चेंज करिए, नहीं तो उससे फंगल इन्फेक्शन या स्किन के दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस बने रहते हैं। तो ये छोटी छोटी सावधानियाँ इनको बरतेंगे तो फिर उसके बाद हम जो ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है, पानी से संबंधित जो बीमारियाँ, इनसे काफ़ी आपको बाहर की नहीं लेनी है,
इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ होने की अब संभावना बनी रहेगी, जुलाई से लेकर नवंबर तक हम देखते हैं कि डेंगू मलेरिया के केसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस बार जल भराव है और कई राज्यों के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मच्छरों से अपने आप को बचा कर रखना है, जिसके लिए आप ज़रूरी है मॉस्किटो रेपेलेंट लगाएं, मच्छरदानी वगैरह का प्रयोग करें। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये जो बाढ़ के बाद जो है डेंगू और मलेरिया के केस जो है वो बढ़ सकते हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।